दोस्तों, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं और अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। साहिबाबाद की शाम रसोई समाज की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाती है। ये हर रोज़ हर किसी को एक रुपए में भरपेट खाना खिलाती है। आज हम श्याम रसोई पहुंच चुके हैं और आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूरा काम चल रहा है, किस तरह से आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर इस काम को कर रहे हैं। ऐसे बैठे थे शाम को, अचानक मन में आया ठीक है करना है। कोई आता था भोजन करने के लिए, कभी रात में आ गया तो हम लोग को, इनको तो नहीं हमें ही लगते है, लेडीजों को ज्यादा काम होता है। जी जी, घर में हाँ, हाँ, हाँ। हमने रोज रोज का आपने ये कर दिया, अच्छा तुझे तो ऐसा करते हैं कि जब इतने लोग हैं गरीब तो क्यों ना हम लोग अपना चित्रकला शुरू कर देते। जी जी, बहुत ही बेहतरीन काम किया आप लोगों ने। 11 बजे के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि चले श्याम रसोई में ही सेवा दे के आए। दोस्तों, सबसे पहले भोग लगता है श्याम बाबा के नाम का और गोपाल जी इस काम में जुटे हुए हैं। प्रतिदिन जैसे पहले गांवों में या जो अपनी सनातन संस्कृति से जो जुड़ा हुआ नियम है, सर्वप्रथम अपने पितरों का एक गौ माता की रोटी और एक भगवान जी के लिए निकाली जाती है। उसी तरह से आज भी हम उस नियम को बनाए हुए हैं और पहले भोग लगता है, उसके बाद ये जो पूरा जो आहार है उस आहार में जो एक और थाली है जो श्याम बाबा के पास से आई है वो इस आहार में मिलाई जा रही है। ठीक है, हाँ। और दाल है, ये दाल है जी, हाँ ये दाल बनाई गई है, रोटियाँ यहाँ बन रही हैं। उसे देखिए टेबल पर खाना लगाया जा चुका है और इस पूरे जो प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है गुल्लक। इस गुल्लक में लोग एक एक रुपए डालते जाएंगे और खाना फिर लेते जाएंगे यहाँ से, ये ताकि जो भाव है उस भाव को जिंदा रखा जा सके समाज के प्रति। और जो दान का भाव है वही इस पूरे कार्यक्रम जो इस पूरे इनिशिएटिव की जान है और लोग इसी इनिशिएटिव के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों देखिए धूप बहुत तेज़ है और धूप से बचाने के लिए ऊपर देखिए तिरपाल लगाया गया है ताकि लोग आराम से खड़े होकर खाना खा सकें छाँव के। श्री श्याम रसोई साहिबाबाद प्रतिदिन एक रुपए में भरपेट भोजन कराने के लिए वचनबद्ध है। ऐसे व्यक्ति जिनकी व्यवस्था नहीं बन पाती है, एक रुपए में भरपेट भोजन करते हैं, मन से करते हैं। हमारे यहाँ रोज दाल चावल सब्जी रोटी आदि की व्यवस्था होती है। इस रसोई में कोई भी कॉमर्शियल व्यक्ति नहीं है, जो हमारा लोकल समाज है यहाँ के रहने वाले हैं वो सभी लोग मिलकर इस रसोई को चलाते हैं। साहिबाबाद गाजियाबाद के हर व्यक्ति का इस रसोई में सहयोग है। हम केवल अन्न का दान लेते हैं, कैश नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी बात है। आप लोग भी कोई इस तरह का इनिशिएट अपने आसपास प्रारंभ करें तो जिस तरह से लाजपत नगर साहिबाबाद में कोई भूखा नहीं है अब इस समय, जहाँ तक मेरे उसमें, वैसे आपके आसपास यदि कोई इनिशिएट होगा तो वो भी बिना किसी को भूखे, मतलब भूखे नहीं सोना पड़े। आपके ही ये इनिशिएटिव, आपका इनिशिएटिव है और साथ में सब लोग ये इकट्ठा हुए, सब लोग साथ में आए हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, सवाल तो बहुत है मेरे अंदर पूछने के लिए, लेकिन पहला सवाल ये बताइए कि कैसे ये मन में आपके ये इनिशिएटिव की का ख्याल आया? भैया ऐसा तो कोई इनिशिएटिव लेने का मेरा इरादा नहीं था और ना कोई ऐसी दिशा भी थी, सीधा ट्रैक था बच्चे को पढ़ाना, स्कूल जाना, वापस आना, फिर अपने घर के काम में लग जाना, ये मेरा सिंपल वो था। लेकिन ऐसा हुआ कभी कोई किसी दिन एक तीन भाई आए रात में भोजन करने, उन्हें किसी ने ये गाइड किया था कि राम जानकी मंदिर पर आपको भोजन जरूर मिलेगा, ठीक है, और जबकि इतनी व्यवस्था, मतलब ऐसा कोई हमारा इनिशिएट चलता ही नहीं था। फिर जब तीन लोगों को भोजन बनाया, फिर अगले दिन उन्होंने दोपहर में दो चार भेज दिए,
तो भाई अब कोई दरवाजे पे आ गया है भैया तो उसे हम रुका नहीं वापस भेजेंगे। अब वो चार उस दिन आ गए थे, तीन एक दिन पहले रात में आ गए थे, उन्होंने फिर और किसी को बता दिया कि वहाँ पंडित जी के यहाँ चले जाओ खाना मिलता है। वो ऐसे करके संख्या बढ़ने लगी तो फिर घर में भी थोड़ी ये होने लगी कि ये तो रोज का तुम्हारा वो हो गया है ना। बस वहीं से आया कि अगर हम 3, 4, 6, 8, 10 लोगों को भोजन करा सकते हैं तो मन में ये आया कि सब खा सकते हैं, मुझे इतना भरोसा है। लेकिन सवाल ये है, देखिए गोपाल जी, आज महंगाई की बात हम लोग करते हैं और महंगाई में आदमी का अपनी रसोई चलाना बड़ा मुश्किल हो रखा है, आदमी अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, ऐसी बातें लोग करते हैं। लेकिन आप इतने लोगों का जो आप एक चल रहा है प्रयास, ये किस तरह आप पूरा कर रहे हैं, किस तरह ये अन्न इकट्ठा होता है, किस तरह से रसोई चलती है और किस तरह से आपने इतने लोगों को इकट्ठा किया, वो बड़ी मतलब आप समाज को जोड़ना बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, तो आपने ये दोनों ही काम कैसे किए? ये जो श्याम रसोई है ना, इसका ना सफल होने का मोटिव ये है कि हमारे ना हर काम में ट्रांसपेरेंसी है। जितना राशन रखा है, जितने मेरे भाई बंधु हैं, सब लोग जो साथ लगे हुए हैं, है ना, ये अपने आप निकालते हैं, अपने आप बनाते हैं, क्या प्लस है क्या माइनस है इसका मुझे कोई पता नहीं है। राशन का कोई हिसाब किताब नहीं होता कि 50 किलो रखा है और 100 किलो रखा है और 2 क्विंटल रखा है, 4 क्विंटल, जो जिसका मनो अपने हाथ से निकालता है, बना देता है खाना। एक बार ट्रांसपेरेंसी, दूसरी बात हम कैश डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते, उससे व्यक्ति की श्रद्धा जुड़ती है। जहां मैं पैसे मांगने लगूंगा वहां ऐसा लगेगा लोगों को कि ऐसा तो नहीं पंडित जी श्याम रसोई के आड़ में अपनी रसोई चला रहे हो, है ना। तो हम कैश डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते, राशन एक्सेप्ट करते हैं। अब रहा लेबर खर्च, मान लीजिए तो हमारे यहाँ कोई कॉमर्शियल आदमी नहीं है, केवल हम लोग सब लोग मिलके इस रसोई बनाते हैं। ये देखिए पीछे आप सब लोग देखेंगे, ये ना अपनी एक सरलता से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो एक हमारा खर्चा वो बच जाता है कि हमें लेबर वगैरह का देना नहीं होता, जो सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था होती है ये सब लोग अपने आप मिलके, कभी कोई सिलेंडर देता है, कोई गैस देता है, इस तरह से काम पूरा होता है जी। तो ये तो हो गई, इसके बाद आपने लोगों को कैसे ये जोड़ा, ये जो जुड़ाव लोगों का मैं देख रहा हूँ, एक दूसरे को देख के एक दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को, इस करके लोगों का जुड़ाव ऐसे हुआ। जैसे अभी हमारे कन्हैया अंकल है, बहुत अच्छे शेफ हैं, रोज भोजन बनाते हैं रसोई में, इन्हें ये दिखा। जब आपको लगेगा ना तिवारी जी कि आपका श्रम या धन या राशन या दान किसी भी तरह का आपका सहयोग जेन्युइन जगह पर जा रहा है, तो वहां ना आप जो मुझसे कह रहे हैं आपने कैसे जोड़ा, मैं जोड़ ही नहीं सकता। लोग इस इनिशिएट को देख के जुड़ते रहे, लोग श्याम बाबा की कृपा से जुड़ते। अच्छा, महिलाओं को भी मैं देख रहा हूँ घर चलाते हुए, यहाँ पे भी समय देना ये कितना मुश्किल होता है, अभी जब बताएं ये समय क्या होता है। सुबह उठते ही श्याम रसोई देखते ही बच्चों को भेजते ही, अच्छा है ना, 10 बजे तक हम लगे रहते हैं श्याम रसोई में। उसके बाद हमारी और दीदी बहनें जो भी आ जाती हैं वो लग जाती हैं, उसके बाद थोड़ा घर देखते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। और वीडियो में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों से, जो जो वीडियो को जो देख रहे हैं लोग? मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ, जैसा हम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत जितना हो सके जिससे वो करें, कोई गरीब ना से, हमारा कहने का मतलब जी है। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप भैया वीडियो में सबसे अच्छा मैसेज तो यही है कि इतनी अच्छी भावना से ना ये काम होता है ना, बहुत अच्छी भावना से, मतलब क्या कहेंगे, इतने लोग खाना खा जाते हैं, हम लोग घर बुला के 2 लोगों को भी खाना नहीं खिला सकते, और यहाँ बैठा के हम इतने लोगों को खिलवा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। जी जी, बहुत सही बात है अंकल जी। आपने कुछ कहा था कि लोग कितना भी खाना खाते हैं तो एक ही रुपए लेते हैं सबसे, 1 रुपए थाली भर पेट खाना, चाहे 1 रोटी खाओ चाहे 10 खाओ। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 25-25, 20-20 रोटी, 30-30 तक खा जाते। ये हमारी आटा मारने की मशीन है, जब हमने रसोई प्रारंभ करी थी उसके 15 दिन बाद जो हमारी गाजियाबाद की मेयर है आशा शर्मा जी, वो उन्होंने सुना था कि कोई इस तरह का प्रकल्प चल रहा है, वो हमें ये गिफ्ट देकर दान देकर गई थी। और इसी तरह से आप देखेंगे ये हमारी चूल्हा भट्टी है जिसमें एक बार में हम 6-7 लोग खड़े होकर रोटी बना पाते हैं, और इसकी कैपेसिटी अगर मतलब अगर पूरे 6 लोग इसमें लगे हुए हैं तो 1 घंटे में 1000 रोटी हम लोग बना देते हैं बड़े आराम से। जी जी। उसी प्रकार से चूल्हे वगैरह हैं, बताइए। तो ये आपने अपने धन से लिया है या ये भी किस? यही तो कमाल की बात है कि आज तक हमने धन ही खर्च नहीं किया रसोई में। अच्छा। ये एक हमारे मित्र है राजेश यादव जी, उनकी इंडस्ट्री है, उन्होंने हालांकि मुझे मना किया था नाम लेने के लिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, वो हमसे जुड़े, हमने कहा हम ऐसे ऐसे रसोई प्रारंभ करना चाहते हैं, हमें एक चूल्हा चाहिए, उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया,
सीधे चूल्हा ला के दे दिया। थैंक यू सो मच इस बात को बताने के लिए, और मैं सभी लोगों का मैं धन्यवाद कहता हूँ दिल से, अंकल जी हैं, भाई साहब हैं, सभी लोगों का धन्यवाद है जो इस प्रयास में जुटे हुए हैं। और ये हम देखते हैं जब समाज हमारा बढ़ रहा हो, कट रहा हो, समाज लोग एकाकी हो चुके हों, उस दौर में समाज जुड़कर ये काम कर रहा है। इस फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं, लेकिन इनका मन ऐसे हमें हमारे आया गुप्ता जी है फैक्ट्री में, उनका तो सुपरवाइजर्स के ऊपर जो एक टीम हेड होता है ये वो है, लेकिन इन्होंने जिस दिन से रसोई से जुड़े हैं उस दिन से साफ सफाई की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, पूरी साफ सफाई पूरी व्यवस्था हमारे गुप्ता जी देखते हैं। ये केवल मनोभाव है, जहाँ अच्छा होगा वहाँ लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये अपने समाज को जो जोड़ा है, सब पड़ोसियों को, एक मोहल्ले को आपने इकट्ठा किया है श्याम, ये श्याम रसोई के साथ, ये भी बहुत ही एकदम अतुलनीय बोलेंगे इसको, बहुत ही इनक्रेडिबल चीज है। और कुछ अगर एक और सुंदर भाव है, कुछ लोग कहते हैं कि गोपाल भैया आधार कार्ड देख के आप खाना बांटे, समझ रहे हैं, थोड़े से आप समझ जाइए कि वर्ग विशेष को खिलाएं और वर्ग विशेष को ना खिलाएं। भोजन, हवा, पानी, फसल, गेहूं, आटा, प्रकृति से जो हमें मिला है उस पर सबका समान अधिकार है। और मुझे नहीं पता कौन खा रहा है, कैसे खा रहा है, मुझे किसी का नाम नहीं पता। वो श्याम बाबा ने उनका दाना पानी यहाँ लिख रखा है, उन्होंने इनका दाना पानी यहाँ लिख रखा है, इस वजह से उन्हें भोजन मिल रहा है। तो मेरा अपना ये है, दुकान छोड़ के आते हैं, हमारा मानना है कि बिना किसी जाति, बिना किसी सांप्रदायिकता, मतलब कुछ कानून करना ही नहीं है, केवल अपना उद्देश्य सेवा 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 और सेवा। अंकल जी कुछ कह रहे थे आप? अंकल जी हमारे हैं जो आते हैं, बहुत मजा आता है, प्रतिदिन तो डेली आते हैं अंकल आप लोग, संडे वीकेंड कुछ नहीं होता आप लोगों का, कोई वीकेंड नहीं आप लोगों का। देखिए दोस्तों, कोई वीकेंड नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, ये प्रतिदिन हर दिन कोई त्यौहार हो, हर दिन ये रसोई चलती है और इसी तरह से चलती है, और ये चलती है आसपास के लोगों के सहयोग से। और ये जो रसोई है, कोई भी यहाँ चंदा नहीं लिया जाता है, सिर्फ अन्न का दान लिया जाता है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है अन्न का दान ही महादान है, और वही यहाँ पर हो रहा है। अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज को कवर करने का। सभी जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सारे कार्यकर्ता विदाउट एनी पे काम करते हैं, और इतना अच्छा ये प्रकल्प हमारा है। मैं कहता हूँ अगर हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे इस तरीके का प्रकल्प, मैं कहता हूँ आप बड़ा एम मत रखिए, आप 100 जनों को भोजन का एम ना रखें, आप 2 जनों को रखें। मैं ये मानता हूँ अपने भारतवर्ष में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। दोस्तों, इस इनिशिएटिव की कोशिश यही है कि कोई भी शख्स भूखा ना रहे। मैं चाहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव को चलाए रखने के लिए हम सभी यहाँ जो भी बन पड़े, जैसा भी बन पड़े, सहयोग करें, ताकि जो भूख है लोगों की, जो भूख की समस्या है हमारे आसपास से, उसको हम ख़त्म कर सकें।